बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, आप कैसे हैं? अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हर वीडियो की तरह आपको ये भी वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगेगी वीवर्स। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और इधर बर्ड्स आए हुए हैं, जोहर का टाइम है, मैंने इनको दाना डाला हुआ है, कबूतर भी आ रहे हैं, चिड़ियाँ भी आ रही हैं, ये देख लें और उड़ रही हैं, कुछ खा रहे हैं। कबूतरों की वजह से चिड़ियाँ उड़ रही हैं। और वीवर्स यहाँ घर रूटीन मर्रा के रोज़ के काम सारे कर लिए हुए हैं। देखे फर्श अभी भी आपको गीला गीला महसूस हो रहा होगा, इसको वॉश किया था। और उसके बाद देखें घर की सारी सफाइयाँ हो गई हुई हैं, घर को नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ वीवर्स। और ये बच्चे फेंक देते हैं कवर, और वैसे टैप यूज़ करते हैं, ये ना हो कि टैप का वो कर दें। इसका तो हशर नशर हो गया, टैप को ऐसे यूज़ करते हैं। फातिमा इसको टैप के ऊपर इसको कवर करो टैप को, ये देखेंगे बस। और यहाँ पे बन रही है गरम गरम चाय वीवर्स, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स ये है पराठा फातिमा का जो गरम करूँगी, और ये है अचार फातिमा के लिए, चाय पराठा अचार फातिमा के लिए, इतना अचार बहुत है। तो देखें चाय को भी, चाय भी पकड़ी है, अब इनको प्याली में निकालती हूँ। और वीवर्स हमारे घर एक बहुत मज़े का सर्दियों का फ्रूट आया, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी रेसिपी। और ये देहात में बहुत पाया जाता है, और हमें भी किसी देहात से ही आया है, और बहन के मियाँ हैं भाई, हम भाई फियाज, उन्होंने ला के दिए हैं। बहुत ही मज़े का फ्रूट है, आप गैस करें, तब तक फिर आपके लिए तो सरप्राइज़ है, तो गैस करें, तो फिर आपको दिखाते हैं फ्रूट। बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही मज़े का, और खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा और ठंडा। फातिमा आज लेट उठी हैं, रात को लेट सोई थी, तो ये देखें वीवर्स उनका पराठा हो रहा है गरम। और वीवर्स हर चाय के साथ मेरा ज़रूर चुंगा मुंगा होता है, ये मेरा चुंगा मुंगा देखें। मैंने छोटा सा कप लिया है चाय का, पहले मैंने बहुत बड़ा पी लिया हुआ है, ये अब मुझे भी मिल गया साथ चुंगा मुंगा। तो अब ये रोटी हो गया गरम, और जाकर देते हैं फातिमा को नाश्ता। फातिमा जल्दी से आ जाए, आके तो इधर बैठकर नाश्ता कर लें। व्यूअर्स फातिमा का सोफा देखें, कुशन, ये फातिमा इधर बैठ के तो ये नाश्ता करेंगे। कितना प्यारा रेड फ्लावर्स वाला फातिमा का कुशन है, तो इसके ऊपर बैठ के फातिमा नाश्ता करेंगी। और फातिमा ये कर रही हैं नाश्ता, और साथ देख रही हैं स्टोरी, इस तरह की स्टोरियाँ देखती हैं फातिमा, डॉल्स वाली। चलो फातिमा आप अपना नाश्ता करो। बहुत गुस्सा करते हुए लग रहा था, हो जी वीवर्स चिड़ियाँ बहुत उड़ रही हैं चलाक, वो ज़रा सी मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ उनको पता लग जाता है, और फुर्र करके उड़ जाती हैं, जाके खंभे पे बैठ जाती हैं, या तो वो जाके दरख्त के ऊपर बैठ जाती हैं। चले अब आपको दिखाते हैं मज़ेदार सा फ्रूट जो आया है सर्दियों का, आपके साथ शेयर करते हैं वीवर्स। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रूट, पहले मैं इधर रखती हूँ अपनी चाय, और फिर मैं चाय पीऊँगी, इसमें बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी वीवर्स, नहीं तो मेरी चाय। ये देखें वीवर्स कितना मज़े का ये फ्रूट है, इसको कहते हैं गन्ना, आपको तो पता ही होगा वीवर्स। और ये देहात में बहुत पाया जाता है, इसकी शहर लाहौर में या मुख्तलिफ शहरों में आपको इसकी रोही मिलेगी पीने के लिए, जो आम मिल जाती है शहरों में तो इसकी रो मिलती है, तो गन्ना ये वहाँ से आया है, तो ये मुझे भी दे कर गए, इसमें से खा भी लिए हैं, और ये बच गए, मैंने कहा चलें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आज साढ़े घर भी आया जे पिंडो आए ने गन्ने, तो ये देहात में पाए जाते हैं, इनसे दांत भी मज़बूत होते हैं, इनको जो छील के खाने का मज़ा है ना वीवर्स, अपना ही मज़ा है।
कि दंदा नाल तुसी इहनू छिलो ते फिर इहदियां जिहड़ियां गुल्लियां होंदियां उहनां नूं तुसी दंदा नाल चबा के ते इहदा रस रस इहदा निकलदा है। फिर इहनू जिहड़ा इहदा रस होंदा बड़ा ही टेस्टी ते बड़ा ही मज़ेदार होंदा है। ते इहनां नूं अपने दंदा नाल जिहड़ा ओरिजिनल तरीके नाल इहनू खाओ ना ते बहुत ही मज़ा आउंदा जे। ते इह बड़ा ही मज़ेदार फल हैगा जे। तो मैं कहा चलो अज वीवर्स नाल अज स्पैशल फल शेयर करने के साढ़े घर अज की आया जे। ते बड़ा मज़ा आता है। एक बार ना चलो पंजाबी ची दस दी तुहानू, मैं एक बारी ना मैं शादी ते गई ते 2 साल हो गए ने असी बरात ते गए ते उत्थे गड्डी रुक गई ते उत्थे पेट्रोल पंप से उन्होंने पेट्रोल भी डलवाना सी बस विच ते साडी उत्थे बस रुक गई ते असी उतरे ते वह बाहर एडा वड्डा ट्रॉला गन्निया का पड़िया। असी बड़ी कोशिश की कि निकल आए ते बड़ा चोरी भी होंदी है ते पर इहोजी चीज़ कभी कितने खा लेनी चाहिए है। पर असी ड्राइवर को भी पूछा ते वो साढ़े को गन्ने नहीं निकले ते फिर एक भाई ने काढ़ लिता गन्ना ते फिर असी वो खादा बहुत ही मज़ेदार। वो जेहड़े इंज करके खिच के चीज़ा खाओ बड़ा ही मज़ा आता जे, पर गुना होंदा पुछ के खानी चाहिए है। तो असी भी पुछ के ही उन्होंने को गन्ना लिता ते खादा। व्यूवर्स मेरा अज का व्लॉग तुम्हें बड़ा ही पसंद आएगा ते मैनू कमेंट्स बॉक्स से जरूर दसना कि तुम्हें यह फल भी कैसा लग्या जे। है देखो हूँ यह टोटे करके उन्होंने सानू भेजे ने गन्ने दे के आसानी ना आ जाते हैं ना इन्हें तो गन्ने तो बहुत व्डे व्डे होंगे ने एडे एडे लंबे इन्हों कद होंगे ने। है देखो जरा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूवर्स एक रखिया मैं फ्रिज च वो थोड़ा जहा खादा सी मैं क्या बहर होएगा तो कित जरासीम ना लग जाए तो वॉश अच्छी तरह किया अच्छी तरह वॉश करन तो बाद ही खाना चाहिए। इस तरह नहीं खाना चाहिए अच्छी तरह इनू किसी जाली नाल या किसी कुची दे नाल इनू साफ कर लो तो फिर इनू खाओ इंज नहीं खाना चाहिए। तो चलो फिर व्यूअर्स हूँ फिर उर्दू बोलने पंजाबी बोलते तो व्यूअर्स इसको मैं रखूँगी आज बच्चों को कहूँगी इनको खा जाओ नहीं तो ये सूख जाएंगे और ये इनका रस फिर ख़त्म हो जाता है। तो चलो व्यूअर्स हूँ मैं पीनी हूँ अपनी चाय। चाय बहुत मज़ेदार बनी थी व्यूअर्स ते बड़ी सर्दी आज बहुत ज़्यादा पीती जाती है फिर भी जो किसी की बनती है नाल मेरी जरूर बन जाती है ते मैं पी रही हूँ चाय। फातिमा कर रही है नाश्ता। व्यूअर्स यहाँ आई है खजूर मैंने प्लेट में निकाली है इसको अब मैं वॉश करूँगी। बर्तन तो जितने भी हो बार बार हो जाते हैं धोने वाले तो फिर हुए हैं इनको मैं वॉश करती हूँ। पहले खजूरों को अच्छी तरह धो लें। खजूरों का ना तेल लगा था सरसों का तो इनको अच्छी तरह मल के धोना चाहिए नहीं तो गला ख़राब हो जाता है व्यूअर्स इसको वैसे खाने से। उसको अच्छी तरह मल के धोना है इसको। अब मैं वीडियो थोड़ी सी बंद करती हूँ ये वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये हो गया वॉश और इसको मैं एक को खाऊंगी। बहुत मज़े की मुझे लगती है व्यूअर्स मुझे नरम वाली मोटी जो खजूर होती है ना वो मुझे बड़ी टेस्टी लगती है। अक्सर मैं मार्केट में जाऊँ ना तो वो मैं ले लेती हूँ और इसको फिर वॉश करके खाती हूँ। बहुत मज़ा आता है उसको खाने का। चलिए इसकी एक रेसिपी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। पहले ये मैं अंदर देख रहा हूँ थोड़ी सी दूध के कप के साथ। अली जी कह रहे हैं मुझे खजूर देकर जाओ साथ दूध। तो व्यूअर्स इसकी हम अभी बनाएंगे रेसिपी मज़ेदार सी और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ खजूर की। चले इतनी बहुत है खजूर। व्यूअर्स मैं ये देने जा रही हूँ अंदर दूध और खजूर। व्यूअर्स यहाँ मैंने एक कप दूध लिया मलाई वाला जो फ्रेश होता है बॉयल किया हुआ। ये देखिए मलाई वाला मैंने सारी मलाई उतार ली है बस थोड़ी सी रह गई सारी उतार ली है दूध से। ये देखिए इधर मैंने रख लिया और गर्म ही दूध है इसमें। ये देखें खजूर कटिंग करके गिट के इसकी निकाल के गुठलियाँ और जो इनके आगे वो होता है एक कैप होती है इसके आगे लगी होती है वो भी उतार दी और इसको स्लाइस में कटिंग करके तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये इतना मज़े का बनता है दूध सर्दियों में। ये सर्दी भी नहीं लगती और फ़ायदेमंद बहुत होता है ताकतवर बहुत होता है दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसको पीना चाहिए और ये सर की कमजोरी को भी दूर करता है। तो चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको ज़रा पकाते हैं। खजूर नरम है और ये जल्दी इसमें पक जाएगी।
वीवर्स, आप दो तीन खजूरें ने, साथ 10 बादाम की गिरियाँ लें तो 5 खजूरें भी ले सकते हैं, और साथ आप तिलों का एक चम्मच लें। इनको एक कच्चे बर्तन में रात को भिगो दें और सुबह को इसमें शहद मिक्स करके, तो आपने ग्राइंडर करके उसको एक गिलास तैयार करना है और वो पीना, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ताकत बहुत है उसके अंदर भी दिमाग के लिए। तो वो मैं अपने बड़े बेटे को इंशाल्लाह दूँगी, तो वो ये भी मुझे भाई ने बताया तो कि आप इस तरह इसको दें, क्योंकि ये थका भी रहता है और उसको ये अक्सर सर्दी में ना रहती है थकावट सी, ट्यूशन जाने का मैं कहती हूँ तो ये ज़रा सा लेजी सा हो जाता है। तो अब मुझे पता लगा कि मेरा बच्चा खुद ही नहीं ठीक है, तो इसको वैसे भी फ्लू का ज़रा सा मसला भी रहता है, तो मैं बात को समझ ही नहीं रही थी, पर मैं इसके ऊपर सख्ती करी थी, डांट भी रही थी इसको, तो अब मुझे पता लगा कि बच्चा तो ये सर्दी की वजह से ऐसे करता है कि सर्दी बहुत है इसीलिए वो, और सूरज भी तो निकल रहा है ना, नहीं निकल रहा, सॉरी मैं कह रही हूँ निकल रहा नहीं निकल रहा, बहुत सर्दी हुई है वीवर्स, तो यही सूरज हम सर्दियों में ढूंढते हैं और गर्मियों में इसी से हम तंग आ जाते हैं कि बहुत धूप निकली हुई है और बाहर नहीं हम जाते, तो इसी सर्दियों में हम इसी सूरज को ढूंढ रहे होते हैं। वीवस वीवस ये देखे कितना मज़े का हमारा यम्मी सा खजूर का ये दूध तैयार हो रहा है, हॉट खजूर हॉट ड्रिंक मैं तैयार कर रही हूँ। और वीवस इसके अंदर ना हम हल्दी शामिल कर देंगे, हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है वीवस, वो गिल्टियाँ जो जिस्म के अंदर हो ना, मेरे अंदर हैं जिस्म के अंदर ना, अंदरूनी, मैं बीमार हो गई थी तो मेरी जब फातिमा बेटी मेरी हुई ना, तो उसके बाद मैं बीमार हो गई, कोई 8 माह के बाद फातिमा के बाद ना, वो छोटी सी थी तो मुझे एडिडीमा डिकोसम हो गया, गिल्टियाँ मेरे जिस्म के अंदर, और मुझे मेरी ताई जान ने कहा कि आप ना दूध हल्दी वाला पिया करो तो आपकी ये मेल्ट हो जाएंगी, तो मैं दूध ले लेती हूँ हल्दी वाला, तो अभी भी वो हैं जिस्म के अंदर। डॉक्टर ने तो वॉक ही बताई थी कि वॉक करें, वॉक मैंने बहुत की है, एक्सरसाइज की है, जिम भी ज्वाइन किया था मैंने, तो ये देखें भी बस इसको आपने गाढ़ा सा कर लेना ठीक सा, तो अभी बस इसमें हल्दी डालेंगे, वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी मैं हल्दी का दूध लेती हूँ, चने इसमें हम वही घर की पिसी हुई जो हांडी में डालते हैं वही हल्दी, क्योंकि अम्मी ने कुटी हुई तैयार करके मुझे अम्मी जान ने दी थी, वो मेरी इस्तेमाल हो गई हुई है, अब मैं जो हांडी में डलती है वो डालूंगी वीवस इसके अंदर। हल्दी थोड़ी सी जिससे प्याले में इसको निकालना मैंने, ये देखें वीवस ये चीनी से हम हल्दी शामिल कर देंगे वीवस, मुझे तो हल्दी वाला दूध बहुत मज़े का लगता है, तो मैं तो खा लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, एक सूंड मुझे बड़ी पसंद है उसकी खुशबू और जायका भी, तो ये देखें ये तैयार हो चुका है, तो इसको हम बॉल में निकालती हूँ मैं। तो भी बस आज आपके साथ मैंने सर्दियों वाले फ्रूट शेयर किए, गन्ना और अब ये खजूर, खजूर का मिल्क ये ठीक हो गया है, इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इसको अब निकालते हैं बॉल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वीवस ये मज़े का अब दूध तैयार हो चुका है, इसको ठंडा करके तो मैं खाती हूँ। तो वीवस आज मैंने पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की, आज मैंने आपको सूरज चढ़ता भी दिखाया और ढलता भी दिखाऊंगी, तो ये देखें कितना मज़े का हमारा ये तैयार हो गया वीवस, ये पिए और ये जोड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट है, तो ये पिए और सर्दी को इंजॉय करें, और मैं इसको पीती हूँ, उसके बाद फिर हम मिलते हैं वीवर्स। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्क्रिप बिल्कुल नहीं करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, यह आपकी मोहब्बतें होती हैं, आपका प्यार होता है, और एक छोटा सा कमेंट्स भी करके बताइएगा अगर आपको मेरी ये व्लॉग मेरी वीडियो पसंद आई वीवर्स। तो मैंने कहा चलें अपने वीवर्स को बताते हैं आज सारा दिन हमने क्या किया, चलिए वीवर्स ये मैंने कटिंग की है कीवी फातिमा के लिए, अब फातिमा खा रही है कीवी इस टाइम, और वीवर्स फातिमा खा रही है कीवी, और ये देखें मैं आपको ड्राइंग दिखाऊं, ये मैंने बनाई है फातिमा की ड्राइंग, जो जो स्टोरियां आती हैं तो इनकी ड्राइंग मैं करती हूँ, ये देखें ये लाइन की है, लाइन और माउस की स्टोरी, और ये देखें ये क्रो की भी मैंने पिक्स बनाई हुई है, ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने थर्स्टी क्रो, और ये देखिए
चलें व्यूवर्स, इसी के साथ मैं वीडियो का करूँगी इख्तिताम ख़त्म। और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ताला भी आपको दुनिया जा के खुशी से मारा मार करे, जान मार दो औलादों में बरकत अता फरमाए और अपनी रहमतों के साए में रखे। और व्यूवर्स, हर रोज़ ढलता सूरज हमें सुनाए फना के गीत। ओहो, अल्लाह ताला भी सबके हालों पर रहम करे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स।